iPhone 14 Pro versus iPhone 15 Pro। आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही स्मार्टफोन्स को और देखेंगे कि iPhone 14 Pro से iPhone 15 Pro कितना बेटर है, क्या क्या प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं और क्या एक्चुअली माइनस पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको iPhone 15 Pro खरीदने के। तो अगर आप iPhone 14 Pro से 15 Pro में अपग्रेड करने का सोच रहे हो या फिर इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, हो सकता है आपने जो डिसीजन बनाया हुआ है वो चेंज हो सकता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित। ये वाला वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और ऐसे और कंपैरिजन देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन दोनों के डिजाइन से। अगर दोनों फोन्स को आप दूर से देखते हो तो आपको ऐसा डिजाइन में कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, वही सेम तीन लेंसेज, एक लाइडर सेंसर, पीछे मैट टेक्सचर मिल जाता है, सामने की तरफ पे डायनामिक आइलैंड मिलता है और थोड़ा सा आपको इनकी एडजस्ट में फर्क मिलेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली डिजाइन वाइज कोई चेंज नहीं किया गया है। iPhone 15 Pro लगभग iPhone 14 Pro के जैसा ही है। जहां पे आपको डिफरेंस मिलेगा वो है इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी। iPhone 14 Pro स्टेनलेस स्टील फ्रेम ऑफर करता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी लग जाती है जिसकी वजह से इन हैंड फील थोड़ा सा खराब सा हो जाता है। वहीं इस बार iPhone 15 Pro में आपको टाइटेनियम फ्रेम दिया गया है जो कि स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। ये आता है मैट टेक्सचर के साथ और ये वो सेम मटेरियल है जो कि एप्पल वॉच अल्ट्रा में मिलता है और इस टाइटेनियम फ्रेम की वजह से ये फोन बहुत ज्यादा हल्का हो चुका है। और एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि मेरा iPhone 14 Pro का जो केस है ये 20 ग्राम के आसपास का है, तो अगर सेम कवर मैं iPhone 15 Pro में लगा देता हूं तो ये लगभग दोनों ही सेम वेट हो जाएंगे। जैसे ही आप इस फोन को अपने हाथ में उठाते हो आपको मेजर फर्क समझ में आएगा और सिर्फ टाइटेनियम फ्रेम इसका रीजन नहीं है। यहाँ पे जो आपको इन दोनों ही फोन्स की एडजेस मिल रही हैं, इसके जो कॉर्नर से यहाँ पे आपको हल्के से राउंडेड मिलते हैं जिसकी वजह से पकड़ने में फोन ज्यादा पतला लगता है और हल्का तो काफी ज्यादा है जिसकी वजह से इन हैंड फील काफी प्रीमियम फील हो रही है। और पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इसके ये चेंजेस। लेकिन यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास iPhone 14 Pro है उसका बिना कवर के यूज करते हो तो हाँ आराम से यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास iPhone 15 प्रो है तो डेफिनेटली भाई इसमें कवर जरूर से यूज कर लेना, बिकॉज अभी तक जितनी भी बेंड टेस्टिंग हुई है, जितने भी ड्रॉप टेस्ट हुए हैं, इसका जो बैक ग्लास है ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। iPhone 15 Pro को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि इसका जो बैक ग्लास है इसको इजीली रिपेयर किया जा सके, जिसकी वजह से जो रिपेयर कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। पहले के रिपेयर कॉस्ट की बात करूं तो 40-45 हजार रुपए तक जाती थी। iPhone 15 Pro के बैक ग्लास के रिपेयर की कॉस्ट बताऊं तो वो अराउंड 22-23 हजार या मेरे ख्याल से 25 हजार के आसपास होनी चाहिए, जो कि भाई बहुत ज्यादा है। पहले भी बहुत ज्यादा थी, अब भी बहुत ज्यादा ही है। बेसिकली सस्ता जरूर हो गया लेकिन सच में बहुत महंगा है और शायद एप्पल ने इसी वजह से इसको इजी रिपेयरेबिलिटी कर दी है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी डाउनग्रेड करी होगी, लेकिन मे बी जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उसको थोड़ा सा दूर कर दिया गया हो या जो भी रीजन हो, बहुत जल्दी ये ग्लास ब्रेक हो रहा है एज कम्पेयर टू आईफोन 14 प्रो। एवरीथिंग एप्पल प्रो ने अपनी वेस्ट हाइट से इसको गिराया था ऐसे और भाई वो टूट चुका था, तो भाई मुझे लगा कि क्या ही है। इसके अलावा अगर टाइटेनियम की बात कर ही रहे हैं तो अगर आप ब्लैक या ब्लू टाइटेनियम लेते हो तो भाई वो तो स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा गंदा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, उस पे स्क्रैचेस बहुत ज्यादा लग जा रहे हैं, उसकी जो ऊपर की पाउडर कोटिंग है वो निकलती जा रही है। तो भाई मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, नेचुरल टाइटेनियम या फिर व्हाइट टाइटेनियम ही लेना, ब्लू ब्लैक की तरफ मत जाना। इसके अलावा भाई अब आपको लाइटनिंग की जगह पे टाइप सी पोर्ट मिल रहा है और एक और बड़ा चेंज, इस बार अब ये जो साइड लाइन का टॉगल आता था जिसको आप ऊपर और नीचे करके ऑन ऑफ करते थे, इसकी जगह पे आपको मिल रहा है एक्शन बटन, जो कि भाई एक चीज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे को ना इस वाले एक चीज की आदत है, जब से मेरे पास iPhone 15 Pro आया है मेरे को इस एक्शन बटन की आदत नहीं हुई है अभी तक। और मैं क्या करता हूँ ना कि जब भी मेरे को अपना फोन साइलेंट करना होता है तो मैं इस बटन को खिसकाने लगता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये मैं बटन खराब कर दूंगा या तो इसकी पॉलिश निकाल दूंगा, लेकिन भाई ये अलग मैटर है, एक्शन बटन एक्चुअली बहुत काम का है। इसके थ्रू आप फ्लैशलाइट, कैमरा, फोन साइलेंट कर सकते हो या फिर कोई शॉर्टकट भी रन कर सकते हो और ये डेफिनेटली बहुत अच्छा चेंज है। इसके अलावा भाई अगर आप iPhone 14 Pro में गोल्डन कलर यूज करते हो तो iPhone 15 Pro के लिए आपको नेचुरल टाइटेनियम की तरफ जाना पड़ेगा, वहां पे आपके पास गोल्डन का ऑप्शन नहीं है। फोन का जो ओवरऑल साइज है इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, यहाँ पे मैं आपके आइडिया के लिए बता देता हूँ। iPhone 14 Pro 5.81 इंचेस हाई, 2.81 इंचेस विड्थ और 7.9 mm थिक आता है। वहीं iPhone 15 Pro की बात करूं तो ये 5.77 इंचेस हाई, 2.78 इंचेस विड्थ और 8.3 mm थिक आता है। तो इन शॉर्ट बताऊं तो ये हाइट और विड्थ में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है यानी कि इसकी जो मोटाई है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लेकिन भाई ये चीज बिल्कुल भी आपको हाथ में फील नहीं होगी, ये आपको कहीं से भी थिक नहीं लगने वाला है और उल्टा ये ज्यादा पतला लगता है बिकॉज ऑफ जो उसकी एडजेस को कम कर दिया गया है उसकी वजह से। चलो बात कर लेते हैं इनके डिस्प्लेस की। इन दोनों ही फोन्स में आपको 6.1 इंचेस LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है, जहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ब्राइटनेस का कोई भी डिफरेंस नहीं है, 1179x2556 के पिक्सल्स मिल जाते हैं जो कि एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यहां पे अगर इनके डिस्प्लेस की डिफरेंस की बात करूं तो यहां पे आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस मिलता है, वो है इन दोनों की बेजल्स। iPhone 14 Pro के कंपैरिजन में iPhone 15 Pro की बेजल्स आपको और भी ज्यादा कम मिलती है, जो कि देखा जाए तो काफी छोटा डिफरेंस है, लेकिन अगर आपने iPhone 14 Pro
यूज किया है और iPhone 15 Pro में भी आ जाते हो तो आपको डेफिनेटली ये डिफरेंस समझ में आएगा। हालांकि ये आपके एक्सपीरियंस में बिल्कुल माइनर सा ही डिफरेंस देगा, लेकिन हाँ अगर इनको गौर से देखते हो तो एक्चुअल में भाई बहुत क्लीनर लुक देता है। चलो बात करते हैं इन दोनों के चिपसेट की। तो iPhone 14 Pro में आपको मिलती है A16 बायोनिक चिप जो कि 4nm पे बेस्ड है। iPhone 15 में आपको मिलती है A17 Pro चिप जो कि 3nm पे बेस्ड है। A16 में आपको हेक्सा-कोर CPU, 5-कोर GPU एंड 16-कोर न्यूरल इंजन मिल जाता है। A17 Pro में आपको नया 6-कोर CPU, नया 5-कोर GPU एंड नया 16-कोर न्यूरल इंजन मिलता है। तो चलो भाई फटाफट से इनकी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं A17 Pro कितना बेटर है A16 से। तो भाई सबसे पहले हमने किया इनका Geekbench और Geekbench में सबसे पहले कंप्लीट कर लिया iPhone 15 Pro ने। अराउंड 20-25 सेकंड के बाद कंप्लीट किया iPhone 14 Pro ने। और अगर इनके स्कोर्स की बात करूं तो यहां पे iPhone 14 Pro का सिंगल कोर का स्कोर था 2629 और मल्टी कोर का स्कोर था 6767। वहीं iPhone 15 Pro के स्कोर्स की बात करूं तो इसने सिंगल कोर में स्कोर किया 2938 एंड मल्टी कोर का स्कोर था 7328। तो डेफिनेटली CPU बेंचमार्क में काफी बड़ा डिफरेंस था। इसके बाद हमने किया इनका GPU टेस्ट, यहां पर भी iPhone 15 Pro ने 4-5 सेकंड पहले कंप्लीट कर लिया। और स्कोर्स की बात करूं तो iPhone 14 Pro का स्कोर था 22935, वहीं iPhone 15 Pro का स्कोर था 27450। तो डेफिनेटली भाई स्कोर्स में बीट कर देता है iPhone 15 Pro। चलो फटाफट से कर लेते हैं इनका iMovie टेस्ट और देखते हैं कौन पहले वीडियो एडिटिंग को कंप्लीट करता है। तो भाई यहां वीडियो एडिटिंग में हमको कोई भी डिफरेंस नहीं समझ में आया, दोनों ने एग्जैक्टली सेम एक साथ एक्सपोर्ट किया, तो यहां पे आपको वीडियो एडिटिंग के मामले में कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं मिल रहा है। इसके बाद हमने करी इन दोनों ही फोन्स में गेमिंग और भाई गेमिंग में भी यहां पे मैं बोलूंगा कोई भी ऐसा डिफरेंस हमको नहीं दिखाई दिया। जो एक्सपीरियंस हमको iPhone 14 Pro में मिला सेम टू सेम एक्सपीरियंस iPhone 15 Pro में मिला। हां यहां पे आपको रेट रेसिंग वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन भाई वो वाली जो एप्लीकेशंस हैं, जो पीसी वाले एप्लीकेशंस हैं या फिर आप पीएस वाले एप्लीकेशंस बोल सकते हो, जैसे Assassin's Creed हो गया, Resident Evil हो गया, ये अभी आपको iPhones में अवेलेबल नहीं है। बहुत जल्दी आने वाले हैं लेकिन फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो उसमें हम ये रे ट्रेसिंग वगैरह को अच्छे से देख पाएंगे। बाकी अभी फिलहाल की बात करें जितनी गेमिंग हमने इस पे करी वो एग्जैक्टली सेम हमको iPhone 14 Pro के जैसी लगी, तो डेफिनेटली यहां पे मैं बोल सकता हूं कि A17 Pro एकदम फाड़ के रख दी। तो ऐसा अभी कुछ नहीं है, जब वो गेम्स आएंगे Assassin's Creed और ये जो एप्लीकेशंस हैं PS वाले जब ये आएंगे भाई ये एग्जैक्टली वही फील देने वाले हैं आपको, यानी कि वो सेम PS वाला PlayStation वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपको इसमें प्रोवाइड करवा रहा है। और ये कंप्रेस नहीं है, सेम वही एक्सपीरियंस, सेम वही गेम, सेम वही ग्राफिक्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिलहाल तो हम इनको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली भाई PS की गेम्स को फोन्स में चलाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। अब यहाँ पे गेमिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इनकी हीटिंग की भी बात कर ले रहा हूँ। बहुत सारे 15 Pro यूजर्स हैं जो कि ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको बहुत सारा हीटिंग हो रही है उनके फोन में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्लिच है या फिर कुछ कुछ यूनिट्स में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे iPhone 15 Pro, 15 Pro Max दोनों में ही ये कोई भी इशू नहीं था, इवन iPhone 14 Pro, 14 Pro Max से कम हीट कर रहा है ये। इसका जो ये टाइटेनियम फ्रेम है भाई बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत ही सही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। और अगर गेमिंग वगैरह कर रहे हो या फिर बाहर आउटडोर में शूट कर रहे हो और ये थोड़ा बहुत अगर हीट हो भी जाता है तो भी ना इसका जो टाइटेनियम है यहाँ पे इतना गर्म फील नहीं होता जितना कि स्टेनलेस स्टील हो जाता है, डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन कुछ एक मेरे कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये 15 Pro में बहुत बुरी हालत है, मतलब कि वो अपने हाथ में पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी हालत हो रही है। होप एप्पल इसको जल्द से जल्द फिक्स कर देगा। बाकी मेरे साथ तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं iPhone 15 Pro और 15 Pro Max दोनों के दोनों। चलो बात करते हैं इन दोनों की बैटरीज की। iPhone 14 Pro में मिलती है 3200 mAh की बैटरी, वहीं iPhone 15 Pro में मिलती है 3274 mAh। तो यहाँ पे 74 mAh ज्यादा बैटरी मिल रही है आपको iPhone 15 Pro में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपनी टेस्टिंग की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे बैटरी बैकअप में कोई भी डिफरेंस नहीं समझ में आया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों में लगभग आपको सेम ही बैटरी बैकअप मिलता है। हाँ अगर आपने iPhone 14 Pro एक साल तक यूज किया और उसकी थोड़ी बहुत बैटरी हेल्थ कम हुई है तो आपको हो सकता है 15-20 मिनट का ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर दे iPhone 15 Pro, क्योंकि बैटरी बैकअप डिपेंड करता है आपके फोन यूसेज और आपके बैटरी चार्जिंग साइकिल पे। तो हो सकता है नए नए में आपको थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करे, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं तो दोनों में सेम ही बैटरी बैकअप है, कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। चलो कर लेते हैं इन दोनों का साउंड टेस्ट और ये है iPhone 14 Pro का साउंड। और ये है iPhone 15 Pro का साउंड। तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिल रहा है, दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम साउंड करते हैं, एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम, एग्जैक्टली सेम साउंड क्वालिटी। चलो बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। इन दोनों ही फोन्स में मेगापिक्सल वाइज देखोगे आप तो दोनों में ही सेम कैमरा लेंसेज मिल जाते हैं, 48 megapixel प्राइमरी, 12 megapixel के अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो। लेकिन यहाँ पे iPhone 15 Pro में जो लेंसेज मिल रहे हैं इनका सेंसर साइज बड़ा मिल रहा है, जिसकी वजह से जो बोके इफेक्ट है वो आपको हल्का सा ज्यादा मिलता है, ऑल्सो ये ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है। यहाँ पे हमने कुछ कैमरा सैंपल्स लिए और हमने बहुत सारे अलग अलग फोटोज क्लिक करे हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो आईफोन 15 प्रो की जो इमेजेस है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कलर्स ज्यादा एनहेंस मिल रहे हैं, स्पेशली जो स्किन टोन्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके ये दे रहा है। इवन आप छोटी छोटी डिटेल्स देख सकते हो, आईफोन 15 प्रो ज्यादा अच्छे तरीके से HDR को मैनेज कर रहा है, ओवरऑल कलर एक्यूरेसी आपको बेटर मिल रही है आईफोन 15 प्रो में। इस वाली फोटो में आप देख सकते हो लाइट जो है वो मेरे पीछे से आ रही है, यानी जो मेरी की लाइट है इसको मैं पीछे से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फेस बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है आईफोन 15 प्रो ने, 14 प्रो में फेस थोड़ा सा डार्क आ रहा है। वीडियोज में भी आप देख सकते हो बेटर लाइट कंट्रोल आईफोन 15 प्रो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अगर दोनों को साइड बाई साइड कंपेयर करके देखो तो ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा, नहीं तो एक्चुअली देखा जाए तो कुछ इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ डेफिनेटली जनरेशन वाइज आपको कैमरा इंप्रूव्ड मिल रहा है और हल्के फुल्के माइनर चेंजेस मिल रहे हैं, स्किन टोन को बेटर कर दिया गया है, ओवरऑल कलर एक्यूरेसी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ओवरऑल एक अच्छी लुकिंग फोटोज एंड वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है ये। चलो मैं इसके मोड्स के बारे में बताता हूँ। आईफोन 15 प्रो अब रिकॉर्ड कर सकता है 4K 60fps पे प्रो रेज में, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है प्रो फोटोग्राफर्स के लिए। इवन आप इसमें लॉग में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जितनी भी मूवीज वगैरह शूट होती हैं, जितने भी प्रोफेशनल शूट्स होते हैं वो लॉग फॉर्मेट में होते हैं और उस लॉग फॉर्मेट को फिर अच्छे से एडिट किया जाता है, कलर ग्रेड किया जाता है, और ये लॉग में रिकॉर्ड करने वाला फीचर बहुत महंगे महंगे कैमराज में रहता है। तो भाई जितने भी प्रो सिनेमेटोग्राफर्स हैं, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन मिल चुका है अब ये आपको आईफोन 15 प्रो में। और भाई क्योंकि वो बहुत बड़ी फाइल्स होती है, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसकी वजह से टाइप सी 3.0 मिलता है इसमें, डायरेक्ट अपनी SSD को कनेक्ट करके डायरेक्ट SSD में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। इसके अलावा दूसरे मोड में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, एक्शन मोड वगैरह सब कुछ सेम वैसे ही है। 4K 30fps पे सिनेमेटिक रिकॉर्ड कर सकते हो, पहले भी कर सकते थे, सेंसर साइज की वजह से थोड़ा बहुत हल्के फुल्के इंप्रूवमेंट्स मिल रहे हैं, बाकी अगर ओवरऑल कैमरा देखोगे तो सेम लास्ट ईयर जैसा ही है। तो अगर कैमरे का कंक्लूजन बताऊं तो यहाँ पे दो ही चीजें हैं, पहला लॉग में रिकॉर्ड कर सकते हो, दूसरा डायरेक्ट अपनी SSD पे रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये भी सिर्फ प्रो सिनेमेटोग्राफर्स के लिए काम की चीज है, बाकी कैमरा एज इट इज पुराने जैसा ही मान लो, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा दूसरे फीचर्स की बात करूं तो आईफोन 15 प्रो में आपको U2 चिपसेट मिल जाता है, जिससे ये 3 गुना ज्यादा एक्यूरेट लोकेशन बता देगा। कुल मिलाकर इसकी जो रेंज है ये 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, आईफोन 15 सीरीज को ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो चुका है। इसके अलावा टाइप सी जो पोर्ट है, इससे आप किसी भी दूसरे आईफोन को चार्ज कर सकते हो, किसी भी एंड्रॉइड फोन को चार्ज कर सकते हो और एंड्रॉइड फोन से चार्जिंग ले भी सकते हो अपने फोन में टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल लगा के, जो कि भाई बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है। तो भाई ये तो थे वो सारे डिफरेंसेस जो कि आपको इन दोनों फोन्स में मिलते हैं। चलो बात करते हैं कंक्लूजन की, क्या आपको आईफोन 14 प्रो से 15 प्रो में जाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो अगर आप अपने आईफोन से प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करते हो, अगर आपको पता है लॉग क्या होता है, उसको कैसे एडिट किया जाता है, और अगर ये वाले जो फीचर्स जो मैंने एक्स्ट्रा फीचर्स बताया जो 15 प्रो में है, अगर ये फीचर्स आपके काम के हैं, तब आप डेफिनेटली आईफोन 15 प्रो की तरफ जा सकते हो। अगर गेमिंग का शौक है, PS वाले गेम्स को अपने फोन में खेलना चाहते हो, रेसिडेंट ईविल असैसिन्स क्रीड वगैरह खेलना चाहते हो, तो डेफिनेटली आईफोन 15 प्रो की तरफ जा सकते हो। और अगर आप PUBG वगैरह गेम्स ही खेलते हो और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह से इससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो भाई 15 प्रो में जाने की कोई जरूरत नहीं है, 14 प्रो आपके लिए बहुत सही है, उसी में स्टिक रहो। और अगर आपके पास आईफोन 13 प्रो है, और जैसा कि मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि आपको हर 2 सालों में चेंज करना चाहिए फोन, अगर आप करना चाहते हो तो, वैसे तो 5-6 साल भी आराम से चला सकते हो, बट अगर आईफोन 13 प्रो है आपके पास, तब आप आईफोन 15 प्रो में जा सकते हो, क्योंकि आपके पास डायनामिक आइलैंड आ जाएगा, टाइटेनियम फ्रेम आ जाएगा, ओवरऑल कैमराज का इंप्रूवमेंट आ जाएगा, तब मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि वो एक वर्थ अपग्रेड होगा। अगर आप चाहते हो आईफोन 13 प्रो को आईफोन 15 प्रो से कंपेयर करूं, तो नीचे कमेंट कर देना मेरे को, उसकी वीडियो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अब बात करें उन लोगों की जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं आईफोन 14 प्रो लें या फिर आईफोन 15 प्रो, तो भाई यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आईफोन 14 प्रो की तरफ जाओ। क्यों? पहला, सेल में 90,000 तक मिल सकता है, दूसरा बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो ज्यादा बेटर है, उसका जो ग्लास है वो ज्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू आईफोन 15 प्रो, तीसरा 15 प्रो में ऐसा कोई ह्यूज काम का अपग्रेड नहीं मिल रहा है। हाँ डेफिनेटली एक्शन बटन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इसको साइलेंट स्विच जैसे ही यूज करने वाले हैं, और डेफिनेटली भाई 90,000 और 1,35,000 में 45,000 का डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से 14 प्रो खरीदना ज्यादा समझदारी भरा डिसीजन होगा एज कम्पेयर टू नया आईफोन 15 प्रो खरीदने के। तो गाइस ये था हमारा वीडियो, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।